खाना खा लिया है। खैर चलते हैं हम, आप थके नहीं? प्लीज भाई इस बार ये मत करवाना। मतलब समझ में आता है यार कि आपकी भांजी है और अपनी बहन की बांधी हुई राखी का कर्ज आपको उतारना होगा, लेकिन आई गेस वो उतर चुका है यार सीजन वन में। अगर फिर भी आपको उनको कास्ट करना ही है तो मालिक जहाँ सेट पे, कपड़ों पे, गहनों पे इतना खर्चा हो जाता है तो एक छोटी मोटी सी वर्कशॉप भी अरेंज करा ही सकते हो, है मतलब एक्टिंग सिखाने के लिए। जी हाँ, महफिल फिर से जमेगी, रौनक फिर से आएगी, क्योंकि हीरा मंडी 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई, एंड ऑल द फैंस वेंट लाइक इतनी खुशी। देखो यार, हीरा मंडी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और ठीक इस ही अलग आर्टिस्टिक स्टाइल में इन्होंने सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी की है। तो नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें लगभग 100 कथक डांसर्स ने हीरा मंडी की तवायफ की तरह रेडी होकर हीरा मंडी के गानों पर परफॉर्म किया और ये बताया कि नेक्स्ट सीजन इज ऑन द वे। और देखो फैंस को तो इंतजार है नेक्स्ट सीजन का, लेकिन इससे पहले कि भंसाली जी नेक्स्ट सीजन में भी पहली वाली गलतियां करें, मेरे पास ना 5 गलतियों की लिस्ट है जो उन्हें सीजन 2 में रिपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आलमजेब मतलब समझ में आता है यार कि आपकी भांजी है और अपनी बहन की बांधी हुई राखी का कर्ज आपको उतारना होगा, लेकिन आई गेस वो उतर चुका है यार सीजन 1 में। अब अपने नयन चक्षुओं खोलिए एंड प्लीज फाइंड अनदर टैलेंटेड गर्ल टू प्ले आलमजेब कैरेक्टर, बिकॉज वी ऑल डिजर्व इट। एंड जितनी झंड उन्होंने अपनी एक्टिंग और एटीट्यूड से करा लिए ना, आई डोंट थिंक सो कि अब हम उन्हें एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। और अगर फिर भी आपको उनको कास्ट करना ही है तो मालिक जहाँ सेट पे, कपड़ों पे, गहनों पे इतना खर्चा हो जाता है तो एक छोटी मोटी सी वर्कशॉप भी अरेंज करा ही सकते हो, है मतलब एक्टिंग सिखाने के लिए। नंबर 2, एक्टर से जबरदस्ती उर्दू बुलवाने के लिए उनके गले में बलगम फंसी हुई आवाज प्लीज मत निकलवाना। खाना खा लिया है। खैर चलते हैं हम, आप थके नहीं? प्लीज भाई इस बार ये मत करवाना। नंबर 3, बिब्बो जान और ताजदार को कैसे तो वापस लेकर आओ, मतलब आपको लगता है कि इसके बिना और इसके बिना सीजन 2 सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं ना, तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव में अरेंजमेंट कराओ, हमको बिब्बो जान और ताजदार तो चाहिए ही चाहिए सीजन 2 में, हमको नहीं पता। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लाइक रिचा चड्ढा, भाई इनको पहले ही मत मारना, फिर आपके पास बच जाते हैं आलमजेब जैसे कैरेक्टर्स, फिर हम भी क्या ही करें और आप भी क्या ही कर सकते हैं। वैसे पता मेरे पास ना भंसाली जी के लिए एक और सजेशन है कि मतलब आपको, मुझे पता है कि यार काफी टफ लग रहा होगा कि आलमजेब की जगह किसको रखें, तो कुछ सजेशंस है जैसे कि वामिका गब्बी, भाई क्या मस्त काम किया था यार उन्होंने जुबली में, है ना, वो तेरे मेरे इश्क का एक, इतनी अच्छी मतलब उन्होंने एक्टिंग भी की और एक्सप्रेशंस भी दिए, तो मुझे लगता है कि आलमजेब के कैरेक्टर में ना वो फिट बैठेंगी। एक और सजेशन है सान्या मल्होत्रा, मुझे लगता है कि बढ़िया कर सकती हैं आलमजेब का कैरेक्टर, क्योंकि वो नजाकत और वो जो चुलबुलापन है ना वो उनके चेहरे से झलकता है। एंड एक और है, अब इसके लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि साइन पल्लवी कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर आलमजेब। तो भाई देखो हमने तो अपनी तरफ से पूरी पूरी मदद कर दी है भंसाली सर की कि प्लीज सीजन 2 का बेड़ा गर्क मत करना, लेकिन अगर इसके बावजूद भी उन्हें खुद ही इसका बेड़ा गर्क कराना है तो हम क्या ही कर सकते हैं यार। तो आपके अकॉर्डिंगली आलमजेब के रोल में कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।